पंखा जो क्षेत्र के पितते भोडिया ग्राम में जनसंपर्क में पहुंचे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम उसेंडी जी, जहां उनको रीति रिवाज गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्या का अवगत कराते हुए अपनी कुछ मांगे, गांव की सड़क, लाइट, पानी, स्कूल भवन निर्माण के लिए आवेदन भी दिए। वही विधायक जी द्वारा उनके मांगों को क्रम बाय क्रम पूरा करने की बात कही गई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कापसी मंडल अध्यक्ष एवं पंखाजूर मंडल अध्यक्ष तथा पार्टी के कार्यकर्ता में मौजूद रहे। इसी बीच उन्होंने धान खरीदी को लेकर भी बोला कि धान खरीदी आगे और बेहतर तरीके से किया। धान खरीदी को अभी शेष कुछ ही दिन बचा है, तो अभी आपका घोषणा पत्र में लिखा था 3100 करके, तो कब तक किसानों को मुआवजा किया जाए? देखिए, अभी धान खरीदी की प्रक्रिया तो चल रही है और निश्चित रूप से इस समय थोड़ा मौसम और इसके चलते कुछ जगह लंबी हो रहा है, लेकिन विश्वास है कि पूरी धान खरीदी की सरकार की तरफ से व्यवस्था आने वाले समय में होगी। और साथ ही साथ हमने तो किसानों का 2 साल का बोनस भी हमने दिया है, 13, 14, 14, 15 का भी। और साथ ही साथ हम 3100 रुपये की जो बात किए थे प्रति क्विंटल देने का, उस निर्णय पर हमारी सरकार बैठी है, उसके अनुसार हमारे यहाँ के किसानों को धान का राशि दिया जाएगा। उसके साथ साथ 21 क्विंटल की जो खरीदी का निर्णय था वो सरकार उसको क्रियान्वयन करे, तो कुल मिला के किसानों के धान खरीदी की व्यवस्था को बेहतर तरीके से, कोई हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता भी रही है। आने वाले समय में किसानों को कोई परेशानी सामना नहीं करना पड़ेगा, ये हमारी सरकार की मंशा रही है। जो महतारी वंदन योजना है उसके कब तक है? महतारी वंदन योजना हमारी घोषणा पत्र में थी, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और आने वाले समय बहुत जल्द इस प्रक्रिया के माध्यम से बहुत सारे हमारे विवाहित माताओं बहनों को भी इस योजना का लाभ देगी। हम इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से योजना का शुभारंभ होने वाला है।